जय हिंद दोस्तों, मैं भूपन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप यह पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न आते हैं और आपके जो प्रश्न होते हैं उनका लेवल क्या रहता है, ठीक है ना। तो आपको यह प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर सॉल्व करना है ताकि आप अगला एग्जाम जो आपका दिसंबर 2023 में होने वाला है उसे आसानी से क्रैक कर पाओ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा मैं कुछ जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो भी मैं आपका कुछ पेपर सॉल्व कराया हूँ। 5 पेपर सॉल्व करा दिया हूँ, 5 या 6 पेपर सॉल्व करा दिया हूँ। ये आपका 7वां आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो ये भी आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। इसके अलावा आपका 1249 पेज का पूरा आपका प्रैक्टिस सेट है, तो पूरा मैं आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका एग्जाम डेट इसमें दे रखा है। आपका जो पेपर है वो आपका 7 दिसंबर 2020 को हुआ था। आपका एग्जाम का जो आपका टाइम है वो आपका 3rd शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, और सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। पूरा ये आंसर की है आपका, ठीक है। तो पहला जो आपका प्रश्न है जीके जीएस का, वो है आपका नागर होल राष्ट्रीय उद्यान .. में स्थित है। तो आपका जो नागर होल राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? वो आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न आपका है, 1820 में थॉमस मुनरो ने निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ की थी? तो जो आपके थॉमस मुनरो थे उन्होंने 1820 में कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ की थी? तो वो कौन सी लगान व्यवस्था थी? वो थी आपकी रैयतवाड़ी। कौन थी? रैयतवाड़ी लगान व्यवस्था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, गंधार कला शैली .. कला से प्रभावित थी। तो जो आपकी गंधार थी वो कला शैली किससे प्रभावित थी? वो आपकी यूनानी और रोमन कला से प्रभावित थी। किससे थी? यूनानी और रोमन कला से प्रभावित थी। और अगर आपको अच्छे से वीडियो देखना है तो आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिएगा, ताकि आपको फुल HD में अच्छे से दिखेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, यूनेस्को विरासत स्थल सौर मंदिर .. राज्य में स्थित है। तो जो आपका सौर मंदिर है जो कि आपका यूनेस्को विरासत में शामिल है, वो कहाँ पर स्थित है? वो आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कौन सा? सौर मंदिर। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो आपका इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा युग्म गलत है, ठीक है ना। तो भवई गुजरात, तो ये आपका सही है। माच मध्य प्रदेश, ये भी सही है आपका। और मुड्डी A2, ये भी आपका सही है। और आपका जो तमाशा है उत्तराखंड, ये आपका गलत है, ठीक है ना। तमाशा शायद उत्तर प्रदेश का ये है, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दूसरा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें गलत कथन बताना है। तो गलत कथन इसमें पहला है, ऋण उधारकर्ता को सदैव एक जैसी परिस्थिति में पहुंचा देता है जिसमें पुनः प्राप्ति बहुत कठिन हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही है। इसमें मिनिमम आपका करंट अफेयर से 10% 100% पूछे जाते हैं, किसी में नहीं भी पूछे जाते हैं। लेकिन आपका 70 से 80% आप मानिए कि आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका 10 प्रश्न जो रहेंगे वो आपके करंट अफेयर से 100% रहेंगे। तो अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर से है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसने श्रमिकों को नौकरी खोजने में सहायता करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप प्रस्तुत किया? तो किसने किया? वो आपका सोनू सूद, जो कि आपके एक्टर है, उन्होंने आपका प्रवासी रोजगार ऐप प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है आपका, देखिए ये भी करंट अफेयर से है, केंद्रीय बजट 2020-21 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वाकांक्षी भारत का एक घटक नहीं है? क्या पूछा है उसने? घटक नहीं है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोला है घटक है, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है घटक नहीं है। तो कौन सा घटक नहीं है? वो है आपका पड़ोसी देशों के साथ अच्छे कूटनयिक संबंध, ठीक है ना, ये आपका घटक नहीं है। बाकी जो आपके ऑप्शन है वो आपके सही है। तो अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सुमेलित है? वो है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि आपके उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, ठीक है। अगला प्रश्न, मॉर्फिन को किससे निष्कासित
किया जाता है, जो आपकी मॉर्फिन है उसको किससे निष्कर्षित किया जाता है, उससे आपको अफीम, अफीम से निष्कर्षित किया जाता है। अफीम आप जानते होंगे एक नशा है, ठीक है, नशा नशीला पदार्थ है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, पीवी सिंधु ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार महिलाओं की बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की रैंकिंग के शीर्ष 20 में स्थान प्राप्त किया। तो वो कौन सा वर्ष था जिसमें आपका पीवी सिंधु ने आपका 20वां स्थान प्राप्त किया, वो है आपका 2012 में उसने 20वां स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न है आपका, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की थी। तो किस वर्ष प्रारंभिक की थी, तो वो आपका वर्ष 2000 में आपका प्रारंभ की थी, कंफ्यूज नहीं होइएगा, वर्ष 2000 में आपका प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न आपका हिस्ट्री से है, औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पदधारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था। तो वो कौन थे, वो थे आपके जयसिंह और आपके जसवंत सिंह। जयसिंह जो जिसने आपका छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध किया था, मतलब उनसे आपका युद्ध किया था, किसने किया था, जयसिंह ने, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है जयसिंह और जसवंत सिंह। अगला प्रश्न आपका है, प्रसिद्ध काव्य संकलन मधुशाला किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपका जो मधुशाला है वो आपका हरि राय बच्चन, जो कि आपके अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, उन्होंने आपका लिखा है। क्या लिखा है, मधुशाला काव्य संकलन हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। अगला प्रश्न आपका, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन निम्नलिखित में से कहां आयोजित किया था, या आयोजित किया गया, तो कहां आयोजित किया गया था, वो आपका मुंबई में आयोजित किया गया था। दूसरा शायद आपका कलकत्ता या मद्रास में आयोजित किया गया था, लेकिन पहला आपका मुंबई में आयोजित किया गया था कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, सम्राट शाहजहां द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना नहीं कराई गई थी। तो उसने पूछा है नहीं कराई गई थी, तो आपका जो शाहजहां था उसने आपका हुमायूं का मकबरा जो का आपका दिल्ली में है उसकी स्थापना नहीं कराई थी। बाकी जो शाहजहां ने जिसकी स्थापना कराई थी वो है आपका जामा मस्जिद और आपका शाहजहानाबाद दिल्ली और आपका लाल किला। इसके अलावा उसने वो भी बनाया है ताजमहल, तो ताजमहल भी आपका शाहजहां ने बनाया है, और जो नहीं बनाया है वो है आपका हुमायूं का मकबरा जो कि आपका दिल्ली में है। मकबरा बोलने लगते हैं मकबरा। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स से है, अगस्त 2020 में .. को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो कौन से व्यक्ति हैं जिनको आपका मेघालय का राज्यपाल 2020 में नियुक्त किया गया, वो है आपके सत्यपाल मलिक। कौन है, सत्यपाल मलिक। अगला प्रश्न, शरलॉक होम्स नामक चरित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था। तो किसके द्वारा सृजित किया गया था शरलॉक होम्स, वो आपका आर्थर कॉनन डॉयल द्वारा सृजित किया गया था। ये आपका इंग्लिश में पूछ दिया जीके जीएस का प्रश्न, विथ रेफरेंस टू ह्यूमन फिजियोलॉजी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स लॉब्स इज मेनली कॉन्सर्न्ड विथ विजुअल इंफॉर्मेशन। तो भाई इसका ट्रांसलेशन तो मुझको बनेगा नहीं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑसीपिटल। क्या राइट आंसर, ऑसीपिटल, ठीक है। अगला प्रश्न आपका पॉलिटी से, भारत के संविधान का 17वां भाग अनुच्छेद 343 से .. तक आधिकारिक भाषा से संबंधित है। तो 343 से 351 तक आधिकारिक भाषा से संबंधित है, ठीक है ना। जो आपकी हिंदी भाषा है वो आपका अनुच्छेद 343 में दी गई है, ठीक है, कि आपकी ये देश की भाषा है। अगला प्रश्न आपका, 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भाजपा शासित राज्य है। तो वो कौन सा एक गैर भाजपा शासित राज्य है, वो है आपका आंध्र प्रदेश। इसका मतलब ये हुआ कि आंध्र प्रदेश में एक भी आपका लोकसभा सीट नहीं है, ठीक है ना, उसका मतलब भाजपा है ही नहीं। तो वो कौन सा राज्य, वो है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक चीज और है, जो आपका भाषाई के आधार पर जो आपका भारत में राज्यों का गठन हुआ था, तो सबसे पहले आपका आंध्र प्रदेश राज्य का भाषा के आधार पर गठन किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। तो वो कौन सा बंदरगाह है जो आपका गुजरात राज्य में स्थित है, वो है आपका
हजीरा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? हजीरा बंदरगाह। अगला प्रश्न, भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति द्वारा की जाती है, तो किसके द्वारा अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है? तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रेजिडेंट द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है आपका, पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? तो किसको घोषित किया गया था? तो वो थे आपके मोहिंदर अमरनाथ। को थे? मोहिंदर अमरनाथ। अगला प्रश्न है, मरियाना गर्त में स्थित है, तो आपका जो मरियाना गर्त है वो कहाँ पर स्थित है? वो आपका प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि आपका सबसे बड़ा महासागर है। कौन महासागर है सबसे बड़ा? प्रशांत महासागर, ठीक है, तो वहीं पर आपका मरियाना गर्त स्थित है। अगला प्रश्न देखो, ये भी करंट अफेयर से बताया ना, मिनिमम आपका 10 प्रश्न 100% पूछा जाता है। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए किए गए योगदान तक अतिरिक्त कर कटौती के पात्र हैं, तो आपका कितने रुपए उसमें है? 50,000 तक की अतिरिक्त कर कटौती के पात्र रहेंगे, ठीक है ना, कितने? 50,000। अगला प्रश्न, टेनिस के संदर्भ में स्टेफी ग्राफ की राष्ट्रीयता निम्नलिखित में से कहां की है? तो कहां की है? वो है आपकी जर्मनी की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजाओं में से किसे आंध्र भोज की उपाधि प्रदान की गई थी? तो वो कौन थे जिनको आंध्र भोज की उपाधि प्रदान की गई थी? तो वो है आपके कृष्णदेव राय। कौन है? कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है आपका, ये भी करंट अफेयर्स से है, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नागालैंड के मुख्यमंत्री थे? तो आपका नेफ्यू रियू आपका नागालैंड के मुख्यमंत्री थे अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार। कौन? नेफ्यू रियू। कौन? नेफ्यू रियू। बार बार आप बोलोगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, इसलिए बार बार बोलते हैं। यू कैन बिन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो आपकी जो यू कैन बिन जो पुस्तक है उसके जो आपके लेखक हैं वो कौन है? वो है आपके शिव खेड़ा। कौन है? शिव खेड़ा यू कैन बिन पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक विधिक निकाय है? कौन सा एक विधिक निकाय है? वो है आपका NHRC। कौन है? विधिक निकाय NHRC। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? क्या पूछा उसने? कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो वो कौन से युग्म है जो सुमिलित नहीं है? वो है आपका मिर्जा मोहम्मद कासिम शाहजहांनामा। ठीक है, तो ये आपका आदमियों व्यक्तियों को नाम दिए गए हैं और आपका उन्होंने जो आपकी रचनाएं की हैं उन रचनाओं का नाम दिया गया है। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की है, ये बिल्कुल सही है। अबुल फजल ने अकबर नामा की रचना की है, बिल्कुल सही है। अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाहनामा की आपकी रचना की है, ये बिल्कुल सही है। और जो आपका सही नहीं है वो है आपका मिर्जा मोहम्मद कासिम, जो कि आपका शाहजहांनामा की रचना की है, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका राइट आंसर होगा चौथा। अगला प्रश्न, ये भी देखो इंग्लिश में दे दिया, GKGS का प्रश्न, रिवर बनास इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर, ठीक है ना, ऑफ द रिवर। तो किसका ये रिवर बनास कहाँ पर है? ये आपका बनास नदी के बारे में पूछा है, मेरे ख्याल से इसमें सहायक नदी पूछा है कि आपका जो आपकी रिवर जो आपकी बनास नदी है जो आपकी बनास नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो वो आपका चंबल की सहायक नदी है, ठीक है, बाकी आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मेरे ख्याल से यही है कि जो आपकी बनास रिवर है वो किसकी सहायक नदी है? तो वो चंबल नदी की सहायक नदी है। देखिए फिर आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न आ गया, जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत सरकार द्वारा सिक्कों की ढलाई की जाती है? तो वो कौन सा स्थान है? वो है आपका अलीपुर में आपका सिक्कों की ढलाई की जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से आपको चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कि इसमें कौन सा गलत आंसर है, ठीक है ना। तो वो है आपका बरखान, समुद्र की ओर किरमिक ढाल वाली भूमि की एक पट्टी है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। बाकी जो आपके ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं ये सही है, ठीक है ना। तो उसने पूछा नहीं है पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका,
हवा में जलाए जाने वाला मैग्नीशियम की पट्टी चमकदार ज्वाला के साथ जलती है। तो उसमें कलर पूछा है कि हवा में जलाए जाने पर मैग्नीशियम की पट्टी चमकदार सफेद ज्वाला के साथ जलती है। तो किस ज्वाला के साथ जलती है? सफेद ज्वाला के साथ हवा में मैग्नीशियम की पट्टी जलती है। अगला प्रश्न ये भी देखो यार, इंग्लिश में पूछ रहे हैं, किसी को इंग्लिश नहीं आती होगी तो कैसे यार सॉल्व करेगा इसको। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज ए एन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका स्पीसीज, यानी स्पीसीज माने होता है जाति, ठीक है। तो इसका आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा। वेल्स डाउंस पपांस आदि शब्द डॉट 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 से संबंधित हैं। तो किससे संबंधित हैं? तो आपका ये घास के मैदानों से संबंधित हैं। जो आपके वेल्स डाउंस और पपांस हैं ये आपके घास के मैदानों के नाम हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, उपभोक्ता मूल सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका इसका समय के साथ जीवन यापन व्यव में परिवर्तन की निगरानी हेतु प्रयोग किया जाता है। तो आपका ये दूसरा जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न फिर यार इंग्लिश में दे दिया यार ये। विथ रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीयर इज करेक्ट। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्लाइमेट एक्शन गोल 13, क्लाइमेट एक्शन गोल 13। अगला प्रश्न, 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया या किसने जीता? तो वो है आपके 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पीटर हैंडके। कौन है? पीटर हैंडके। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी एटम आर देयर इन ए मीथेन मॉलिक्यूल? तो इसका राइट आंसर है 5। अगला प्रश्न है, अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध सेलुलर जेल डॉट 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 में स्थित है। वो आपकी प्रसिद्ध सेलुलर जेल है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है, तो वो आपकी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, ठीक है। भारतीय बैंक नोटों पर निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध अंकित होता है? तो कौन सा उपबंध अंकित होता है? मैं विस्तार करने का वचन देता हूँ, मैं बात करने का वचन देता हूँ, मैं भारत की मुद्रा हूँ। तो ये आप कहीं नहीं देखे होंगे, ये जरूर देखे होंगे कि मैं भुगतान करने का वचन देता हूँ। तो आपका ऑप्शन 4 राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया जिसमें वंचित वर्गों मुस्लिम यूरोपीय सिखों आंग्ल भारतीयों और भारतीय मूल के ईसाइयों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडलों के प्रावधान किए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रैमसे मैकडोनाल्ड। क्या है राइट आंसर? रैमसे मैकडोनाल्ड। कौन से प्रधानमंत्री थे? प्रधानमंत्री का नाम क्या है? उनका नाम है रैमसे मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो आपका जो नेताजी जो आपका सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है वो आपका पटियाला पंजाब में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, द टर्न ट्रिपिटेक्स क्या द टर्म ट्रिपिटेकास इन बुद्धिज्म मीन थ्री। यार मुझे तो इसका ट्रांसलेट भी करते नहीं बनता, इंग्लिश का, इंग्लिश में थोड़ा कमजोर है यार। कुछ नहीं, अब सीजेड की तैयारी में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है आपका बैस्केट, यानी इसका मतलब बाल्टी होता है, टोकरी होता है, ठीक है। इंग्लिश में नहीं देना चाहिए किसी, अगर वो सब्जेक्ट चुनता है आपका हिंदी तो आपका जो पेपर की लैंग्वेज हिंदी है तो इंग्लिश क्वेश्चन क्यों देते हो यार। निम्नलिखित में से किस संगीतकार का संबंध असम राज्य से है? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनका नाम है। तो आपका संगीतकार का संबंध असम राज्य से है, तो इसमें कौन से आपके संगीतकार हैं जिनका संबंध असम से है? तो वो है आपके भूपेन हजारिका, ठीक है ना। और भूपेन हजारिका एक पुल का नाम भी है जो कि आपका शायद
भूपेन हजारी का पुल है एक कोई, ठीक है ना, या तो वो जम्मू कश्मीर में स्थित है या तो फिर वो आपका असम में स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी का, ठीक है, ऐसे ही कुछ है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जिसे हम शॉर्ट में सी सी ई ए ने विपणन सत्र 2020-21 हेतु ए ग्रेड वाले धान के लिए डॉट डॉट प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। तो कितना रुपए दिया, कितने रुपए प्रति क्विंटल, तो वो आपका 1888 प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। कितना, 1888। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य के कितने स्वरूप पाए जाते हैं, कितने स्वरूप हैं आपके, 8 हैं, ठीक है ना, कितने स्वरूप हैं, 8 हैं, जैसे कि आपका कुचिपुड़ी हो गया, ठीक है ना, और अब तो ध्यान ही नहीं आ रहा यार, यही आपका लास्ट में प्रश्न था, कुचिपुड़ी है और यार ध्यान नहीं आ रहा, कथकली है केरला का और भरतनाट्यम और आ जाए ध्यान, उत्तर प्रदेश का एक कौन सा है वो यार सादर, क्या नाम है इसका, ठीक है पढ़ लीजिएगा यार, क्या नाम उसका, उत्तर प्रदेश का एक है यार, सामने होता है तुम बता देते कौन कौन सा, ठीक है आपके यहाँ से भद्र और कथकली भरतनाट्यम, ठीक है ना, यही थे आपके प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद जय।